सो गाइज वेलकम बैक टू माई वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू लेटेस्ट लॉन्च ट्रैम्प स्पीड 400 एंड द लेजेंडरी डोमिनार 400 बजाज की तरफ से। इन दोनों ही बाइक्स की ड्रैग रेस करके मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक टॉप एंड में ज़्यादा फास्ट निकलती है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। तो स्पीड 400 जो है वो आप लोगों को देती है अराउंड 40 पीएस की पावर और 37.5 एनएम का टॉर्क। यहाँ पर ये ट्रायम्फ की तरफ से, और बजाज की डोमिनार 400 देती है अराउंड 40 पीएस की पावर और 35 एनएम का टॉर्क। यहाँ पर टॉर्क थोड़ा कम है बट वेट जो है उसका भी काफ़ी डिफरेंस है। ये अराउंड 187 केजी की है, ये 176 केजी की है, लगभग 11 किलो जो है वो गाड़ी भारी है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सी जीतनी है। वो भी लिक्विड कूल्ड है, ये भी लिक्विड कूल्ड है। पहले मैं वो चलाऊंगा, दीपक ये चलाएगा, फिर स्विच करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं, रेडी। और क्या प्यारा साउंड है यार इस बाइक का, नेक्स्ट लेवल। रेडी, बहुत ज्यादा डिफरेंस, लाइक नेक्स्ट लेवल भाग रही है यार डोमिनार। भाई साहब, कांट बिलीव। कोई सेंस नहीं बनता, लाइक डेफिनेटली आगे निकली है। अब एक बार स्विच मार के देखते हैं कि कौन से आगे निकलती है। आगे से तो उछलने को हो रही थी यार, पीछे करी मैंने इसको। बहुत प्यारा परफॉर्मेंस था यार डोमिनार का, ये उछलने को हो रही है दूसरे गियर में भी। ये वही तो, मैंने तो नीचे बिठा के रखी इसको। और थोड़ा लंबा जाता ना, हाँ, तो कर देती। गैप ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। कर दिया था खत्म, ओके। रुक गया ना उस चक्कर में, वो फिर समझ ही नहीं। कोई नहीं, वाला लंबा मारते हैं, बोल तू वही चला ऐसा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑलरेडी लाइट वेट है, तू और लाइट वेट बैठेगा फिर तो। हाँ बात तो है, चल ठीक है। मेरा वेट एक्चुअली कम है तो वेट का मैनेजमेंट भी बराबर हो जाएगा। उसका 8-10 किलो ज़्यादा है तो 10-12 किलो का सीन है। स्पीड 400 निकल गई टॉप एंड में आगे, ये बात तो है यार। बट नो डाउट इनिशियली लॉन्च दोनों ही बाइक्स का काफी तगड़ा है, लाइक लगभग 100 की स्पीड तक तो ऑलमोस्ट सेम ही चलती है। बट उसके बाद में जो है वो फिर स्पीड 400 जो है वो निकल जाती है ड्यूक्स आगे, लाइक टॉप एंड में। सब सही था आई गेस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट टॉप एंड में वो निकल गई आगे। टॉप एंड में निकल जाती है फिफ्थ गियर के बाद। वही 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 वही, हाँ ये सीन है। उस टाइम पे पता है क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में मैं जब उठा रहा था ना स्टार्टिंग में, लॉन्च ही ढंग से नहीं हुई क्योंकि वो एकदम से ऐसे उठी दो बार। हाँ बट फिर भी मतलब लॉन्च ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों ही बाइक का, क्योंकि अभी वाला लॉन्च तो एकदम परफेक्ट था ना, तेरा भी मेरा भी परफेक्ट था। तो बस ये कि मैंने नीचे बिठा के रखी, ऊपर नहीं आने दी इसको। सो गाइज आप लोगों के सामने है क्लियर विनर जो है वो ट्रायम्फ है लॉन्ग रन में। बट इनिशियली अगर आप देखोगे 100-120 की स्पीड तक दोनों ही बाइक जो है वो सेम ही जाती है, चाहे आप डोमिनार 400 की बात करो, स्पीड 400 की बात करो। बट आगे जो है लाइक टॉप एंड अगर मारते हैं तो डेफिनेटली ट्रायम्फ स्पीड 400 जो है वो निकल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गैप दे देगी, बट स्टिल जो है वो आगे ये निकल जाती है। तो अगेन ट्रायम्फ की मशीन है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी प्यारी है। और इधर ये बजाज है डोमिनार, वेल ट्राइड एंड टेस्टेड बट काफ़ी हेवी फील होती है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। और देखो ड्रैग रेस आती रहेगी, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, हम लोगों ने आज फिर बहुत सारी ड्रैग रेसेस करनी है। कई सारी बाइक्स है, RTR 310 के भी कई सारी आने वाली है। मेक श्योर यार नए लाइक हो आप चैनल पर, सब्सक्राइब मार दो,
इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो ही जाओ और एम करते हैं कि इस वीडियो पे 5000 लाइक जो है वो मेरे को मिल जाने चाहिए। तो यार ये फटाफट करवा दो, फिर नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ मैं, उसके आप मजे लो। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।